17 दिसंबर सन 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली न्यू दिल्ली। अब भारत की आजादी निकट थी और जरूरत थी नए देश के एक नए संविधान की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव कराए गए जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बंगाल से चुनकर असेंबली पहुंचे। इस असेंबली ने नए संविधान को दिशा देने की शुरुआत की 9 दिसंबर सन 1946 को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया एक मुस्लिम लीग को छोड़कर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे संविधान निर्माण में सभी पार्टियां हिस्सा लें और योगदान दें। ये यहाँ पर अंबेडकर संविधान निर्माण के लिए सर्वसम्मति की या कॉन्सेंसस की जरूरत का कितना महत्व है ये बता रहे हैं। दरअसल दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा सकते हैं। एक तो ये है कि आप कुछ बहुत बेहतरीन माइंड, कुछ बहुत एक्सपर्ट्स, उनको इकट्ठा कर लीजिए जो साथ में बैठ के बहस डिबेट करके एक आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दे, लीगल एक्सपर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। और दूसरा ये है कि आप जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान बनाए। तो हमारे नेताओं ने तय किया था कि एक कॉम्बिनेशन होगा। तो जब जनता के प्रतिनिधियों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें बहुत सारे राजनीतिक मतभेद भी थे। तो यहां पर अंबेडकर सबसे पहले यह बता रहे हैं कि संविधान सभा तो जरूरी है लेकिन अंततः कोशिश इसी बात में होनी चाहिए कि सारे लोगों की सहमति से, एक सर्वसम्मति से भारत के लिए संविधान बनाया जाए। अक्टूबर 1949, आजाद हिंदुस्तान के निर्माण में मौलाना आजाद पंडित नेहरू के सबसे करीबियों में से एक थे। भारत की धार्मिक एकता के लिए मौलाना ने अथक प्रयास किए। देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में नेशनल कमेटी फॉर यूनेस्को में उन्होंने विश्व शांति की आवश्यकता पे जोर देते हुए कहा, दुनिया को 25 बरस के अंदर दो आलमगीर खुरेजियों में से गुजरना पड़ा। इसका लाजमी नतीजा यह था कि तमाम सोचने समझने वाले दिमागों के अंदर अमन और सलामती की जरूरत की एक नई लगन पैदा हो गई, ऐसी लगन जिसका अभी तक इंसानी दिलो दिमाग को तजुर्बा नहीं हुआ था। अगर आप पूरे विश्व के इतिहास को उठा करके देखें तो वो आमतौर से यही देखा गया है कि हर जंग के बाद, हर युद्ध के बाद लोग शांति की तलाश करते हैं। क्या ये संभव है कि हम शांति के ही आधार पर जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढें? और मौलाना जब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पिछले 25 सालों में पूरी दुनिया दो विश्व युद्धों के दौर से गुजरी है, तो ये कह रहे हैं कि इतने बड़े विध्वंस के बाद अब संरचना की जितनी भी संभावनाएं हैं उसको हम कैसे सुनिश्चित करें। 3 सितंबर सन 1965, इसके कुछ महीने पूर्व मार्च के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में एक भिड़ंत हो चुकी थी एक नमक उत्पादक स्थान को लेकर। इसी साल गर्मियों में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर ली थी जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान की योजना जम्मू कश्मीर में घुसपैठकर लोगों को बगावत के लिए उकसाने की थी लेकिन वे अपने मंसूबों में नाकाम रहे। उम्मीदों पर पानी फिरता देख पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के तहत जम्मू कश्मीर पर 1 सितंबर को आक्रमण कर दिया। भारत ने इसका जवाब 6 सितंबर को लाहौर पर आक्रमण करके दिया। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इसके 3 दिन पहले देश को संबोधित करते हुए कहा, माय डियर कंट्रीमैन, इन द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कनेक्शन विद द गुजरात वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर साइंड ऑन June 30th ऑफ दिस ईयर, पाकिस्तान सॉलेमली अफर्म्ड इट्स होप दैट द एग्रीमेंट वुड रिजल्ट इन बेटर रिलेशंस एंड ईजिंग ऑफ टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। The conscience of the world would be shocked to know that even at the time that this agreement was being signed, Pakistan had already drawn up a plan of armed infiltrators into Kashmir. शास्त्री जी के इस भाषण को अपने समय के संदर्भ में देखना होगा।
क्योंकि जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए तो उस समय उनकी छवि जो विदेशों में थी, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में थी, वो ये थी कि एक कमज़ोर आदमी है, एक नया आदमी है जो जिसको अनुभव नहीं। और नेहरू जी के बाद तो शास्त्री जी वैसे भी छोटी दुनिया की नज़रों में थे, तो शायद पाकिस्तान को लगा कि यही मौका है इनसे निपटने का। तो पहले सर क्रीक में उन्होंने थोड़ी ज़मीन ऑक्यूपाई किया, उसको लेकर झगड़ा हुआ, गुजरात और सिंध के बीच जो सर क्रीक इलाका है, तो उसको लेकर जून 30 को समझौता हुआ। लेकिन पाकिस्तान का मुद्दा समझौता नहीं था, तो उन्होंने जो नई नीति थी वो थी अगली नीति कश्मीर में घुसपैठिए भेजने की, जिसकी तैयारी पहले ही की जा चुकी थी। तो कश्मीर में जब घुसपैठिए भेजे गए तो उनको कश्मीर में जन समर्थन नहीं मिला। ये उस समय मेरी आंखों देखी बात है, मैं एक विद्यार्थी था, और ये हुआ कि एक रात धनाधन गोलियां चलने लगी जो कश्मीर में कभी हुई नहीं थी, और वहाँ से उसके बाद लोगों ने इन लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस के और आर्मी के हवाले कर दिया। तो इन्हीं हालात में युद्ध छिड़ गया, और उसी संदर्भ में शास्त्री जी देश को संबोधित कर रहे हैं और देश को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। वो युद्ध सितंबर में शुरू हुआ और दो ढाई हफ्तों के भीतर सितंबर में ही खत्म भी हुआ। 6 मई 1986 मेघालय। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी में एक नए जोश के साथ ले जा रहे थे, और इस विकास में साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ वे एक बदलाव और भी चाहते थे, समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा। राजीव गांधी ने इस समस्या को भारत की ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या माना। Let me officially welcome you to India, and I hope that you will have an interesting and productive stay in India and in Meghalaya. It is the appropriate state for us to talk about women's rights. For any development to take place, perhaps the most important need is first of peace. Peace in the region, common attitude to solving mutual or common problems. Perhaps with SAARC, we will be able to tackle our problems in this manner. ये भाषण राजीव गांधी ने SAARC मंत्री परिषद की मीटिंग में मेघालय में दी थी, और उस समय SAARC का ये संदर्भ था कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने SAARC का आइडिया 1980 में शुरू किया था। दरअसल जब उन्होंने सत्ता संभाली तब वो अब पूरे रीजन में अपनी लेजिटिमेसी चाहते थे, और इसके बाद ये हुआ कि ये आइडिया इतना उम्दा था कि बाकी देशों ने, और सबसे महत्वपूर्ण था कि भारत क्या कहेगा, और भारत में भी जब इसको स्वीकार किया गया उसके बाद ये आगे बढ़ा। राजीव गांधी ने कई एक पहल की थी, वो एक बड़ी पहल ये थी कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेकर बात की। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ, अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।